हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। इसकी जानकारी शोभा यात्रा के संयोजक हीरेंद्र यादव द्वारा एक प्रेस वार्ता कर दी गई। संयोजक हीरेंद्र यादव ने बताया कि इस वर्ष भी शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। आयोजन की भव्यता को देखते हुए एक बड़ी टीम का गठन किया गया है जो तैयारी में दिन रात जुटी है। हीरेंद्र यादव ने जानकारी दी कि इस वर्ष शोभा यात्रा में 1 दर्जन बैंड, 2 दर्जन झांकियां, ढोल नगाड़े और काली अखाड़ा आकर्षण के मुख्य केंद्र होंगे। नासिक के ढोल और बाहर से बुलाए गए विशेष बैंड शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण होंगे। बाजार को सजाने के लिए तरुण द्वार बनाए जाएंगे जिनके लिए बाहरी कारीगरों की सेवा ली जा रही है। इसके साथ ही शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए कई जनपद के कलाकारों और बैंड्स को बुलाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा इस बार भी शहर के लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगी। शोभा यात्रा के दौरान भव्यता और परंपरा का संगम देखने को मिलेगा। KIA न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण जन्म जयंती की शोभा यात्रा के संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई। इस तरह की शोभा यात्रा रहेगी क्या? शोभा यात्रा इस बार जो है हमने सभी लोगों की एक टीम का गठन किया है जो पूरी तन्मयता के साथ पूरी तैयारी से काम कर रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर पूरा बाजार जो है सजाया जाएगा। 1 दर्जन बैंड ढोल नगाड़े होंगे, 20-25 कम से कम झांकियां होंगी। सभी झांकियां बाहर से बुलाई गई हैं। शोभा यात्रा में झांकियां, ढोल नगाड़े, काली अखाड़ा ये सभी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बाहर का बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसमें हर वर्ष की बात भगवान श्री कृष्ण जी की शोभा यात्रा हम लोगों के द्वारा निकाली जाती है। ये 32वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सभी हमारी कमेटी के लोग पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और इसकी पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी है, जिसमें लगभग 1 दर्जन बैंड और लगभग 15-20 झांकियां जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में ही अलग अलग तरीके से सजाई गई हैं। और झांकियां अब के दूसरे जिलों से और लोगों से बुलवाई गई हैं, जिससे शोभा यात्रा में 4 चांद लगाए जाए और शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। राधा कृष्ण के मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें सभी समाज के लोग होंगे और इस शोभा यात्रा को घंटाघर होते हुए घंटाघर से शास्त्री मार्केट, शास्त्री मार्केट से सिनेमा का चौराहा, चौराहे से डाकखाने का चौराहा, वो बर्फ खाने का चौराहा और बाईपास गोपाल आश्रम पर जाकर समापन होगा। इस शोभा यात्रा को मैं हम और लोगों को भी बाहर से बुला रहे हैं जिनसे हम इसका शुभारंभ कराएंगे। अभी नाम उनका निश्चित नहीं हुआ है। अगली जो शोभा यात्रा होगी उसमें सारी बातें जो भी होंगी वो बता दी जाएंगी। अगली प्रेस वार्ता मतलब जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले फिर करेंगे दोबारा से, उसमें पूरी रूपरेखा का आपको विवरण दिया जाएगा, जिससे आप भी अपने अखबार में उसी के बाद और आपका सहयोग पूर्ण रूप से रहता है, जिससे आप ही लोग तो इसका प्रसार प्रचार करते हैं और सभी के पास पहुंचती है खबरें, तो आपके माध्यम से ही हम आपके चैनल के माध्यम से ही हम ये बताना चाहते हैं कि शोभा यात्रा की शुभारंभ बड़े धूमधाम से होगा और अच्छी शोभा यात्रा निकाली जाएगी।